हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राखी और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी कैसे केयर कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि मेरा भी बेबी सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू ही हुआ था। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो पहली केयर जो आपको करनी है वो है आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। बहुत केसेस में देखा गया है कि जो मदर है वो इस टाइम पे आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज होगा और आप अच्छा फील करेंगी। और आप इसके लिए आपको बैठने या उठने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे ही ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज कर सकती हैं। सेकेंड केयर जो आपको करनी है वो है आपको अपने स्टिचेस की बहुत केयर करनी है। स्टिचेस की केयर कैसे कर सकते हैं, आपको उठते समय और बैठते समय ये नहीं सोचना है कि आप खुद उठ जाएं या खुद बैठ सकती हैं। आपको अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेनी है तभी आपको उठना है और किसी न किसी सपोर्ट से ही आपको बैठना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, कहीं चेयर पर बैठते समय या आप बेड पर बैठते समय अपने बैक पे पिलो का यूज़ ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको छींक आ रही है या अगर आपको हंसी आ रही है या आपको खांसी आ रही है, इस केस में भी आप अपने स्टिचेस वाले पोर्शन पे पिलो ज़रूर रखें, तभी आप खांसे और तभी छींके या तभी हंसे। इन केस आप शार लेती हैं या नहाती हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप अपने स्टिचेस वाले पोर्शन को अच्छे से किसी प्लास्टिक बैग से कवर कर लें ताकि कम से कम या बिल्कुल भी पानी वहाँ ना जाए, स्टिचेस तक ना जाए। थर्ड केयर जो आपको करनी है वह है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। सी सेक्शन डिलीवरी में ज़्यादातर देखा गया है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसे ओवरकम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक करना है। लिक्विड इनटेक में आप ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं या अजवाइन जीरे का या बड़ी इलायची का पानी भी पी सकते हैं। अजवाइन जीरा और जो बड़ी इलायची है उसके भी अपने खुद के बेनिफिट्स हैं, जैसे वो आपको कॉन्स्टिपेशन से तो रिलीफ देते ही हैं, साथ ही साथ आपका वेट लूज करते हैं और आपके जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी प्रोडक्शन को भी डबल कर देते हैं। फोर्थ केयर जो आपको अपनी करनी है वो है आपको अपने सिर को हमेशा कवर करके रखना है। आप कैप कैरी कर सकते हैं या शॉल से कवर कर सकते हैं, और अगर समर्स हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने सिर को कवर करें, लेकिन आप हल्के से किसी कॉटन के स्टॉल से या हल्के से किसी कॉटन के दुपट्टे से अपने सिर को कवर कर सकती हैं। नेक्स्ट केयर जो आपको अपनी करनी है वो है आपको थोड़ा सा वॉक करना है, क्योंकि अभी आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो सब आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रेस्ट लें। हाँ, आपको रेस्ट करना है पर साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मोशन में भी लाना है। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप वॉशरूम जाने के लिए उठती हैं या फिर आप हैंड वॉश करने के लिए उठती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप थोड़ा सा 5 या 10 मिनट्स की वॉक घर के अंदर ही ले सकती हैं। नेक्स्ट केयर जो आपको अपनी करनी है वो है आपको बेल्ट यूज़ करनी है। बेल्ट यूज़ करने से आपकी जो कमर है उसको सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको चलने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो जनरली देखी गई है वो है कि ब्रेस्ट मिल्क बनने के बाद भी जो बेबी है वो मदर का ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है। इस केस में होता ये है कि सफिशेंट ब्रेस्ट मिल्क बनने के बाद भी बेबी उसको नहीं ले पा रहा है, और जब मदर की जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उन्हें फीवर आता है और बहुत ज़्यादा शिवरिंग फील होती है। इससे रिलीफ लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है कॉटन का क्लॉथ लेकर एक थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में इसे डिप कीजिए, इसे स्क्वीज कीजिए और उससे आप थोड़ा सा अपना सेकन कीजिए ब्रेस्ट का। साथ ही साथ आप मार्केट में आपको बहुत सारे पंप अवेलेबल होंगे, आप कोई भी जो आपको रीजनेबल लगता है और सूटेबल लगता है उसे ले सकते हैं और उसी पंप से आप उस मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे निकाल कर आपको बॉटल में डालकर आप बेबी को दे सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने अपनी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद फेस की और इस तरीके से इनको टैकल किया। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रहे और आपकी हेल्प करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।